सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। मंगलवार का दिन क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के नाम रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि इन हादसों में कोई मौत नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार गोपालपुरा लाडनू रोड पर हुए सड़क हादसे में टवेरा और बाइक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में लाडनू का लालचंद रेगर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी प्रकार सालस रोड पर स्थित चौधरी होटल के पास एक खड़ी गाड़ी में बाइक सवार पीछे से आकर टकरा गया, जिससे चालक मंगतू खां उम्र 55 साल निवासी होलीधुरा घायल हो गया। वहीं शाम को चौधरी होटल के पास पशु की टक्कर से एक बाइक सवार रामकरण जाट उम्र 30 साल निवासी गांव चाड़वास गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको राजकीय बगड़ी अस्पताल 108 एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और उसका उपचार किया गया। वहीं निकटवर्ती छापर कस्बे में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। अल सुबह नोखा छापर रोड पर चावल के कट्टों से भरा हुआ ट्रोला पलट गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची छापर पुलिस ने घायलों को ट्रक के केबिन से निकाला और काफी मशक्कत के बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए राजकीय बगड़िया अस्पताल भिजवाया, जहां घायल चालक अतर सिंह, रामवीर सिंह, विजेंद्र सिंह निवासीगण जिला बिहाणी हरियाणा का उपचार किया गया। टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्ण का, सुरेंद्र सिंह, अरविंद विश्वेंद्र आदि लोगों ने घायलों की मदद की है। दूसरी ओर शहर के वार्ड नंबर 40 में एक पति पत्नी द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लेने का मामला भी सामने आया है। दोनों को राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस थाने में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली है, जिसके चलते पूरी जानकारी पुलिस रिकॉर्ड के बाद ही दी जा सकती है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। पहले उनको मतलब खींच खिंचा कर उनको नॉर्मल किया, उसके बाद में ट्रैक्टर मंगाकर ट्रैक्टर से जॉइंट करके उसको उसका गेट है उसको हटाकर उन तीनों को बाहर निकाला। ड्राइवर के कुछ ज़्यादा लगी हुई थी, दो नॉर्मल थे, तो तीनों को 108 के माध्यम से इलाज है तो सुजानगढ़ रवाना किए गए।